हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे नाइन्थ क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको सब्सटांसेस, मिक्सचर, होमोजीनियस, हेटरोजीनियस, एलिमेंट, कंपाउंड, इन सब के बारे में बताया जाएगा। और जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें आपको मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे करते हैं, अलग अलग सेपरेशन प्रोसेसेस होते हैं, डिस्टिलेशन और ये सब आप सीखेंगे और वो दूसरे वीडियो में होगा। सो स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार आपको पार्टिकल शब्द सुनने को मिलेगा। पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जिसमें आप किसी चीज़ को फिजिकली अलग कर सकते हैं। जैसे ये है वाटर, वाटर को आप एक ड्रॉप लीजिए, एक ड्रॉप को भी आप सेपरेट करो, जितना हो सके उतना उनको सेपरेट करो। तो जो सबसे छोटा उसका पार्ट होगा उसको हम कहेंगे पार्टिकल। इसी तरह से आप कोई चौक लीजिए, चौक का भी एक पार्टिकल निकालो और वो भी जितना छोटे से छोटा पार्टिकल पार्ट आपको मिल सकता है फिजिकली, जो आप जिनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, वो छोटा वाला वो पार्ट क्या होगा, छोटे छोटा, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पार्टिकल। तो पार्टिकल आपको समझ आ गया। देखो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और एटम्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं। तो ये सब डिटेल में आपके पास आने वाले चैप्टर्स में है तो आप वहाँ सीखेंगे, लेकिन मैं आपको बिकॉज इस चैप्टर में इनका बार बार यूज़ होगा इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। एटम्स जो होते हैं वो आपको एक ही जैसा सिंगल, आपको सिंगल टाइप का मिलेगा। जैसे ओ ये एटम है, जैसे एच ये एटम है, और अगर मैं बोलूँ क्लोरीन ये एटम है, ओके, सिल्वर ये एटम है। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ तो मॉलिक्यूल्स इन एटम से मिलके बनते हैं, अब वो एक जैसे एटम से भी मिलके बन सकते हैं और ये एक दो एक दूसरे के साथ मिक्स होके भी बन सकते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करूँ तो वो O2 है, अगर मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करूँ तो वो H2 है, और कभी कभार उनको मिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का मॉलिक्यूल बस ऐसे ही रहता है, और जैसे वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O, तो इसमें H और O मिल गए। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सब पार्टिकल्स हैं। तो ये आप इस चैप्टर में सीखेंगे, स्पेशली इसमें मॉलिक्यूल का जिक्र होगा, ओके। तो बेसिकली जो पार्टिकल होता है वो एक मॉलिक्यूल होता है और जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब प्रॉपर चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि मैटर को हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैटर दो कैटेगरीज में हो सकता है, एक है प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। तो मान लो आप किसी से मिल्क लेते हैं, ये आपने किसी से मिल्क लिया, ओके, और आपने पूछा कि क्या ये प्योर है, तो उसने कहा कि हाँ ये मिल्क प्योर है। तो जो आपका और उसका इस समय मतलब है प्योर होने का, उसका मतलब उसमें पानी नहीं मिला है। लेकिन क्या ये साइंस की लैंग्वेज में प्योर है? नो, ये प्योर नहीं है। तो साइंस की लैंग्वेज में हम प्योर किसे कहते हैं? साइंस की लैंग्वेज में प्योर होता है जिसमें केवल सिंगल टाइप का पार्टिकल होता है, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, और जिसमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनको मिक्सचर कहते हैं। तो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो क्या वाटर प्योर है? यस, क्योंकि इसमें केवल H2O होता है, केवल एक ही टाइप का पार्टिकल है। अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, ठीक है, तो सिल्वर जो होता है वो हमारा Ag है इसका सिंबल, तो ये भी वन टाइप ऑफ पार्टिकल है। आप इसको दो टाइप ऑफ पार्टिकल मत समझना बच्चों, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म है और ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल है, ओके, ये एक ही पार्टिकल, आप इसमें H और O को अलग नहीं कर सकते हैं फिजिकली। तो ये अलग बात है, उसके बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं H और O को अलग करने के, वो अलग बात है, लेकिन फिजिकली आप H और O को उसमें अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर की। तो अगर मैं बात करूँ मिल्क, तो मिल्क इज़ अ मिक्सचर, क्यों? क्योंकि इसमें वाटर भी है, वाटर कंटेंट होता है मिल्क में, इसमें शुगर भी है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, शुगर कंटेंट भी मिल्क में होता है, इसमें साथ में फैट है, इसमें प्रोटीन है, इसमें कैल्शियम है, ये सब मिल्क में होता है और हम इन सबको सेपरेट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो इसीलिए जो मिल्क है वो एक मिक्सचर होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एयर की,
एयर क्या है? क्या एयर एक सब्सटेंस है या मिक्सचर? वेल, एयर एक मिक्सचर है. क्यों? क्योंकि एयर में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो देखो, इसमें अलग अलग टाइप के हमारे पास पार्टिकल्स हैं. तो जब अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स मिलके बनाते हैं तो मिक्सचर बनाते हैं, और जब सिंगल टाइप के पार्टिकल्स बनते हैं तो वो सब्सटेंस होते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. सब्सटेंसेस, देखो जो सब्सटेंस है वो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. देखो, अभी मैंने आपको क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले, कि जो ऑक्सीजन है ये भी सब्सटेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन तो केवल ऑक्सीजन है, एक ही टाइप का पार्टिकल है. और अगर मैं बात करूं वाटर की, तो ये भी जो है सिंगल टाइप पार्टिकल है और ये भी सब्सटेंस है. ओके, अच्छा. लेकिन इनमें डिफरेंस आप देख सकते हैं, इसमें ओ है और इसमें एच एंड ओ है. तो इसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम है और इसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम होते हैं. यानी अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकली कुछ प्रोसेस करें तो इसमें ओ और एच को आप अलग कर सकते हैं, ये अलग बात है. फिजिकली ये अलग नहीं होंगे, वो अलग बात है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक टाइप का एटम दिखा है तो वो होगा हमारा एलिमेंट, और जिसमें एक से ज़्यादा टाइप आपको एटम दिखे वो होगा कंपाउंड. अब मैं आपको कुछ इसके और एग्जांपल बताता हूँ एलिमेंट और कंपाउंड के. ऑक्सीजन ये एलिमेंट है. ओके, एलिमेंटल फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म, दो टाइप की फॉर्म्स होते हैं सब्सटेंस की. ये एलिमेंटल फॉर्म है. अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ वो एलिमेंटल फॉर्म है. सिल्वर एलिमेंट हो गया, आयरन एलिमेंट है, गोल्ड ये एलिमेंटल फॉर्म है. कंपाउंड की बात करूँ तो आपको दिख जाएगा, आराम से समझ आ जाएगा कि कंपाउंड ये है H2O, है ना. दो टाइप के इसमें एटम्स हैं, लेकिन है सिंगल टाइप पार्टिकल. आप इसको मिक्सचर मत बोल देना. ओके, तो जो H2O है वो हमारा क्या कहते हैं, कंपाउंड है. NaCl, NaCl भी हमारा कंपाउंड है, और ऑफ कोर्स ये एक सब्सटेंस है. ठीक है, तो NaCl में Na है और Cl है, लेकिन ये एक ही टाइप का पार्टिकल है, बिल्कुल NaCl ऐसे चिपका होता है. अगर हम इसके और बात करें, ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6 H12 O6, और ये एक सिंगल टाइप का पार्टिकल है. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है. आई रिपीट, एलिमेंट में आपको सिंगल टाइप का एटम दिखेगा और कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स दिखेंगे. जैसे इसमें सी एक एटम है, एच एल अलग एटम है, और ओ अलग एटम है. ओके ओके, आगे बढ़ते हैं. अब जो मैंने भी बताया था आपको, सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. इनको डिटेल में पढ़ते हैं. जो एलिमेंट्स होते हैं वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट कांट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ओके, वैसे तो पार्टिकल को आप ब्रेक कर ही नहीं सकते फिजिकली, लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ डीप केमिकल प्रोसेस की, तो एलिमेंट को तो आप कभी ब्रेक कर ही नहीं सकते. यहाँ पे एलिमेंट्स आप देख सकते हैं तीन टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके, सो जो मेटल्स होते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब नॉन मेटल हैं. और मेटलॉइड्स जो सिलिकन एंड जर्मेनियम है. ठीक है, मेटलॉइड जो होते हैं इनमें इनके बीच की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी जो प्रॉपर्टीज इसमें होगी और जो प्रॉपर्टी इसमें होगी, ये वाली, ये जो है मेटलॉइड्स, इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा. अब बात करते हैं मेटल्स की. तो मेटल्स का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है आपके पास में. क्वेश्चन ये है कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो देखो, ये सब मेटल्स हैं आपके सामने दिख रहे हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ऑलराइट, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं. वो शाइनी होते हैं, लस्ट्रस कहते हैं इन्हें, और दे आर मेलिएबल. ओके, तो मेलिएबल होता है कि आप उसको पीट पीट के हथौड़े से आप उसको पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, तो इसको मेलिएबिलिटी कहते हैं. उसके बाद है, इनमें डक्टिलिटी होती है, यानी दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. तो जैसे मान लो कि गोल्ड का कोई पीस है तो आप उसके वायर्स बना सकते हैं. ओके, एंड दे आर सोनोरस, यानी जब आप उनको मारोगे तो टन की आवाज़ आएगी, तो इसको हम बोलते हैं दे आर सोनोरस, और ये प्रॉपर्टी सोनोरिटी होती है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब आप सोचोगे कि सर अगर ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ है तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. देखो, सीधी सी बात है, जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी वो नॉन मेटल हो गया, और जिसमें इसकी थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज होंगी वो हो गया मेटलॉइड.
अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड ऑफ कोर्स अगेन यूजिंग वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस, क्योंकि फिजिकली तो आप कंपाउंड को ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो इसमें शुगर जो है ये कंपाउंड है, ग्लूकोज आप देख सकते हैं कंपाउंड है इसमें, है ना, सी है, एच है, ओ है, अलग अलग टाइप के इसमें एटम्स हैं। सॉल्ट कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो शुगर है इसका फॉर्मूला वैसे आपके पास अभी सिलेबस में नहीं है, बट इसका ये होता है यूजुअली। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर, तो मिक्सचर क्या होता है, देखो इट कंटेंस, अभी तक जो हमने पढ़ा है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी तक सब्सटेंसेस पढ़े हैं। तो सब्सटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, हमने ये पढ़े हैं। और एलिमेंट्स में भी मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, और फिर मेटलॉइड है, हमने ये सब पढ़ा। अब बात करते हैं मिक्सचर की। देखो व्हाट इज अ मिक्सचर, तो मिक्सचर में एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है, यानी उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपको मिलेंगे और जिनको हम इजीली फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एयर एक मिक्सचर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इनको हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं, तो एयर है। और इसके बाद वो मिल्क मैंने आपको बताया था, मिल्क एक मिक्सचर है, और ठीक है, इस तरह की चीज़ें जिसमें आपको पता चले कि एक से ज़्यादा है। अगर आपको जैसे नींबू पानी होता है, वो एक मिक्सचर है, बड़ा आसान है ये समझना। ऑलराइट, सो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, पहला है हेटरोजीनियस और दूसरा होमोजीनियस। ओके, तो हेटरोजीनियस क्या होता है, देखो हेटरोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये लिया आपने पानी, पानी में आपने घोला शुगर, तो शुगर जब इसमें घुलता है तो बहुत अच्छे से एक एक कोने में इक्वली घुलता है, एकदम इक्वली ये घुलता है। चाहे आप छोटा सा हिस्सा आप इसका ले लो, उसमें भी शुगर का वही कॉन्सेंट्रेशन होगा जो कि बाकी जगह होगा। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऐसा नहीं कि कहीं पे शुगर ज़्यादा हो, कहीं पे कम हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये है होमोजीनियस मिक्सचर। और एक और बात है कि इसमें जब आप घोलते हैं तो ये पूरी तरह से घुल जाता है, इसमें इसकी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती है। ये नहीं है कि आप देख के बता दो कि अच्छा ये शुगर पार्टिकल है, क्योंकि उसमें अब आपको शुगर का पार्टिकल दिखेगा ही नहीं नॉर्मल उसे। ऑलराइट, और जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं। अब बात करते हैं हेटरोजेनियस मिक्सचर की, तो ऑफ कोर्स नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका छोटा सा हिस्सा लोगे और इसका यहाँ से दूसरा छोटा सा हिस्सा लोगे तो इनका कंपोजिशन डिफर करेगा। ऑलराइट, यही है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पूरे में एक जैसी कंपोजिशन इसकी नहीं होगी। ऊपर से देखने से लगेगा एक जैसी, बट अगर आप डीप बहुत छोटे स्केल पे देखोगे तो इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा और इसके पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। ओके, ये अलग बात है कि कुछ पार्टिकल्स सीधी आंखों से दिखते हैं, कुछ पार्टिकल्स आपको माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे, लेकिन दिख जाते हैं। ओके, अच्छा अब बात करते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक है कोलाइडल सॉल्यूशंस और दूसरा सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशंस का दूसरा नाम कोलाइड्स भी है, तो या तो कोलाइड्स बोलते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो कोलाइड्स में पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं, इसको देखने के लिए हमको कोई डीप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन सस्पेंशन के आराम से दिख जाते हैं। जैसे अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं और पानी में थोड़ा सा मिल्क डालते हैं, ओके, तो आपको मिल्क के जो पार्टिकल हैं ये आपको पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। हो सकता है आपको कलर चेंज दिखे, लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि अच्छा एक पार्टिकल वहाँ दिख रहा है, एक पार्टिकल वहाँ दिख रहा है, ये आपको नहीं दिखेगा। ओके, अगर आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसी तरह से अगर आप इंक मिक्स करेंगे वाटर में, तो इंक जब आप इसमें मिक्स करेंगे तो इंक अच्छे से घुल जाएगी। ये अलग बात है, उसका कलर चेंज हो सकता है, लेकिन आपको उसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखते हैं। ओके, ऐसे पार्टिकल अलग अलग नहीं दिखते हैं। तो ये सब जो हैं ये सब कोलाइड्स हैं। अब बात आती है सस्पेंशन क्या है, तो सस्पेंशन मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम करो, एक गिलास पानी लो और पानी में डालो सैंड,
और इसको फिर इसको शेक शेक करो तो आपको पानी दिखेगा और उसमें सैंड के पार्टिकल्स दिखेंगे, तो इसको हम कहेंगे सस्पेंशन। ओके, उसके सैंड पार्टिकल यहाँ पे सस्पेंड हो रखे हैं। इसके अलावा आप कभी देखते होंगे कि धूप में जब घर के अंदर इस तरह से धूप आती है तो वहाँ पे आप देखते हैं कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे तैर रहे होते हैं, तो ये पार्टिकल्स भी सस्पेंशन होते हैं। ऑलराइट, तो कोलाइडल समझ आ गया और सस्पेंशन समझ आ गया। फाइनली मैं कंक्लूड इसमें इसको बताता हूँ कि जैसे गिलास में आप लेते हैं वाटर और वाटर में आप इंक मिक्स करते हो तो वो बन जाएगा कोलाइडल। ओके, और अगर आप गिलास में सैंड मिक्स करते हो तो वो बन जाएगा सस्पेंशन। तो जब भी मैं बात करूँ कोलाइड्स की, तो आप ये समझ जाना कि हमें इंक वाला पानी लेना है, और जब मैं बात करूँगा सस्पेंशन की तो आप लेना कि हमें सैंड वाला वाटर लेना है। ओके, ऑलराइट। तो जो सॉल्यूशन होता है ये दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी होती है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं और द लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी अगर आपने 10 ग्राम शुगर मिलाया है किसमें, 100 ग्राम वाटर में, तो इसमें ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। ऑलराइट, तो छोटी क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के 3 तरीके हैं, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो नाम से पता चल रहा है मास बाय मास मतलब मास अपॉन मास होगा वहाँ पे, मास अपॉन वॉल्यूम में ऊपर मास नीचे वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दोनों तरफ वॉल्यूम होंगे। ओके, और ध्यान रखना ऊपर आएगा यानी न्यूमरेटर में होगा सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में हमेशा होगा सॉल्यूशन। ओके, और इनटू 100, ये ध्यान रखना। इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, तो ये है क्वेश्चन, मास बाय मास परसेंटेज। सो इसमें जो है मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो क्वेश्चन ये है, 100 ग्राम सॉल्ट इज मिक्स्ड विद 90 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले देखो सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट बड़ा इजी है, देखो फॉर्मूले में सॉल्यूट है ना, तो इजी है 100 ग्राम। सॉल्यूशन जो है वो नहीं दे रखा है, यहाँ पे सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्यूशन होगा उसका मास क्या है, 100 और 90 को प्लस कर देंगे तो 1000 ग्राम आ जाएगा। और अब आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो 100 ग्राम यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आएगा, इंटू 100। तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट इज़ 10%। ऑलराइट, नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आता है। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें मास ऑफ, बिकॉज मास बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट आएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें सिंपली फॉर्मूले में पुट करो, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, 20 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो वॉल्यूम 1 लीटर है, लेकिन ध्यान रखना ये ग्राम में है तो ये मिली लीटर में होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा 1000 मिली लीटर। ओके, इनटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और इसका आंसर आ जाएगा 2%। फाइन, यहाँ पे देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका अगर हम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो पहले 1000, सॉरी, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी 100 ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी 500। देखो 500 तो वाटर है और 100 जो है इसमें क्या है, एसिटिक एसिड, तो इनको मिक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 ml, ये ध्यान रखना, इनटू 100, और बाद में इनको सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 16 2/3%। फाइन, तो इसका ध्यान रखना। ओके, ऑलराइट, अब क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर्स। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, देखो होमोजेनियस हेटरोजेनियस में क्या डिफरेंस है, होमोजेनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और हेटरोजेनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। यहाँ पे पार्टिकल के बीच में कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है, इसीलिए हमें पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं, और यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में डेफिनेट बाउंड्री होती है इसलिए हमें पार्टिकल्स दिखते हैं।
इसके बाद ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं और ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या है और ये क्यों शो करते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, टिंडल इफेक्ट है, एक ग्लास आप लीजिए, इसमें पानी है, प्लेन वाटर, प्योर वाटर, ओके, पानी है। अब यहाँ पे एक टॉर्च आप जलाइए, तो टॉर्च जलाने के बाद ये टॉर्च ये गई, तो देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखेगा, बाद में ये टॉर्च का उजाला हमें यहाँ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखा। अब हम क्या करेंगे, उस पानी में हम डाल देंगे थोड़ा सा, आप इंक डाल दो या थोड़ा सा मिल्क डाल दो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो कोलाइडल बन जाएगा, उससे क्या होगा, और इसमें कुछ पार्टिकल्स दिखने लगेंगे, कुछ पार्टिकल आ जाएंगे, ओके, भले नॉर्मल आई से अगर नहीं भी दिखें तो भी। और अब जो है, इस टॉर्च को ऑन करो, और टॉर्च को ऑन करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा रोशनी दिखेगी यहाँ पे इस एरिया में। ऑलराइट, तो ये जो एरिया है इसमें पार्टिकल्स आपको चमकते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे लाइट पार्टिकल्स में पड़ के स्कैटर होती है, यही टिंडल इफेक्ट है। आई रिपीट, जब इन पार्टिकल्स पे लाइट स्कैटर होती है पड़ के, तो उसके बाद वो पार्टिकल्स चमकते हैं और इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। द टिंडल इफेक्ट इज लाइट स्कैटरिंग बाय पार्टिकल्स, ओके, पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इन अ वेरी फाइन सस्पेंड और इन अ वेरी फाइन सस्पेंशन, ओके, यानी अगर इसमें कोलाइड्स और सस्पेंशन है तो टिंडल इफेक्ट होगा, और अगर सॉल्यूशन है तो टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, ओके, यानी अगर आप वाटर लें या आप इसमें शुगर भी डाल दें तो हमारा प्योर सॉल्यूशन बनेगा और उसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारे पास कोलाइड है और या फिर सस्पेंशन है तो उसमें ये पार्टिकल चमकेंगे। तो इज इट क्लियर टिंडल इफेक्ट क्या होता है? क्वेश्चन है, कोलाइड और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखो, कोलाइड्स और सस्पेंशन के बीच में देखो, दोनों ही हेटरोजेनस मिक्सचर हैं, लेकिन जो कोलाइड्स हैं उनके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ओके, नॉर्मल आई से, जैसे आप पानी में, जैसे मैंने बताया, आप इंक डाल दो तो ऐसे नहीं कि आपके इंक के पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, नहीं, कलर चेंज हो सकता है बट नॉर्मल पार्टिकल्स आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पे जो सस्पेंशन है, आप पानी में सैंड डालो तो इसके पार्टिकल्स आपको दिख जाते हैं, ओके, ये दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसको हम सेपरेट नहीं करते हैं, कर सकते हैं फिल्टर पेपर से, अगर आप फिल्टर पेपर लगाओगे और पूरा पानी डालोगे तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट इसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर पेपर से, ठीक है। अगर आपने फिल्टर पेपर लगाया तो पार्टिकल्स क्या है, इसके ऊपर रह जाएंगे, ओके, तो सैंड पार्टिकल्स यहाँ जमा हो जाएंगे और पानी नीचे चला जाएगा। एंड फाइनली हमारे पास ये है कि अगर आप उसको टच ना करो, छोड़ दो, तो पार्टिकल्स जैसा है वैसा ही रहते हैं, आई मीन कलर आपको जिस तरह से दिख रहा था इंक का पानी में वैसा ही रहेगा, यानी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनटच्ड। और यहाँ पे अगर हम उसको टच ना करें, छोड़ दें, तो जो पार्टिकल है धीरे 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 नीचे आ जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे। ऑलराइट, तो फाइनली मैं ये सब समअप करता हूँ। जो मैटर होता है, मैटर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। जो सब्सटेंस है इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एलिमेंटल फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म, ओके, अच्छा, जो मिक्सचर है इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, होमोजेनियस और हेटरोजेनियस। जो एलिमेंट्स हैं इसमें हमारे पास मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। जो होमोजेनियस है उसमें हमारे पास होता है सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन हम जिसे कहते हैं, और जो हेटरोजेनियस होता है उसमें हमारे पास होते हैं कोलाइडल्स एंड सस्पेंशन। तो जो मैटर है, हमारे जो सब्सटेंस है, ये प्योर होता है, एक वन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। मिक्सचर ये प्योर नहीं होता, इसमें एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स होती हैं। जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट में एक टाइप के एटम्स होते हैं। जो कंपाउंड है उसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन और इसका एग्जाम्पल वाटर, लेकिन दोनों ही सब्सटेंस हैं। मिक्सचर की बात करें, होमोजेनियस और हेटरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जो एकदम प्योर सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन, ओके, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे शुगर इन वाटर इसका एग्जांपल। तो अगर शुगर मिलाएं तो वो सॉल्यूशन होगा।
हेट्रोजेनस क्या है? जिसमें जो है ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है और इसके पार्टिकल्स आपको दिख जाते हैं, जिसके नॉर्मल आइज से दिख जाएं वो सस्पेंशन, जिसके माइक्रोस्कोप से दिखें वो कोलाइडल। तो ये था हमारा, और इसका अगले पार्ट में मैं लेके आऊँगा कि कैसे हम उन्हें सेपरेट करते हैं। तो पार्ट टू आपके साथ आपके सामने कुछ ही टाइम में आ जाएगा। एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।